पुष्पेंद्र चोटिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए अनन्य चिंतन होना चाहिए। गुरुदेव, जब हम कोई भी सांसारिक कार्य करते हैं तब ये सोच के करते हैं कि लाडलीजू करवा रही हैं। जब कार्य सही हो जाता है तो लगता है लाडलीजू ने किया, परंतु जब कुछ गलत हो जाता है तो स्वयं का कर्तृत्वाभिमान आ जाता है तथा फिर बहुत समय तक उस बात कार्य का चिंतन चलता रहता है। ऐसे में क्या करें? ये गलत अभ्यास है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये भगवान के वचन है। कर्मयोग में इसका वर्णन किया है भगवान ने कि जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है, कर्तव्य कर्म को, धर्मयुक्त कर्म को, शास्त्र विधान कर्म को, आज्ञा पालन के लिए कर, पूरा हो या ना पूरा हो, उसमें सुख हो या दुख हो, उसमें लाभ हो या हानि हो, जय या पराजय हो, उसकी परवाह उसको नहीं होती। पूरा हो या अधूरा हो, उससे उसको मतलब नहीं होता। हमारा प्रयास है आगे प्रभु जाने, वो बुरा हुआ, अच्छा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, शास्त्र विरुद्ध आचरण की बात नहीं कर रहे, शास्त्र विधान की बात कर रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय, हो जय पराजय, लाभ लाभ, सुख दुख में समान भाव, तो वो हो गया योग। और जिसमें सुख दुख का भोग किया, अच्छा हो गया तो हर्षित हो गए, और आपके विधान से लगा कि पूरा नहीं हुआ तो आप शोकित हो गए, ये कर्म बना, कर्म का फल है, और कर्म योग का भगवत प्राप्ति है। समझ पा रहे हैं आप? किसी का भी हो, किसी का समझना तो आपको भी, आपको नहीं चलना परमार्थ में। हाँ जी श्री अरविंद गुरु जी, जैसे मरीज के ऑपरेशन करते हैं आँख का, तो उस टाइम अगर अच्छा हो जाता है तब तो लगता है लाडलीजू ने कराया, उसमें अगर जैसे कोई त्रुटि या किसी वश उसके जैसे लेंस नहीं डल पाता तब लगता है कि उसका कर्म विधान है ना, उसको भोगना है ना, तो आप हाँ नहीं उस अपने में नहीं, अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी चाहिए, उसका भी तो कर्म विधान है, उसके कर्म विधान का उसको फल मिलेगा ना। मान लो उसकी ज्योति नहीं आनी है, उस दृष्टि से नहीं देखना है, तो आप लाख उपाय कर डालो, नेत्र बदल दो तो भी नहीं होगा। तो अपने को बस इसी बात में, अपने को इसी बात में राजी रहना है कि मेरे कर्तव्य में कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे प्रयास में, इसके बाद परिणाम क्या निकलता है उस पर नहीं। भगवान ने कहा कि आप कर्म फल पर दृष्टि मत डालिए, कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु, मुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके नेत्र बन जाए, ये हमारा कर्म करने के अंतर्गत है। नहीं बन पाते हैं, नहीं ज्योति आ पाती, ये परिणाम है, ये उसके कर्म का है, प्रभु का विधान है, अपने सम रहते हैं, हमारे प्रयास में त्रुटि नहीं। अब हमें इधर सेवा करनी, नेत्र क्यों हम इधर उधर कुछ देख के थोड़ा ये हमारी त्रुटि है कि हम असावधान रहे, हम सावधान होकर पूरा प्रयास करते हैं, सफलता और असफलता ये प्रभु के हाथ की बात है, इसमें आपका अधिकार नहीं। तो उसमें दुखी सुखी होना, बहुत अच्छा सफल हो गया हरीच्छा, केस बिगड़ गया हरीच्छा, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, समझ लेना। अनु जी,